नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ननद भाभी की रसोई में। आज मैं बनाने जा रही हूँ भरवा लाल मिर्च का अचार, जिसे एक बार बनाने के बाद आप 3 से 4 साल तक इसे स्टोर करके रख सकती हैं। आपसे निवेदन है कि अगर आपने हमारे चैनल ननद भाभी की रसोई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए अचार बनाना शुरू करते हैं। अचार बनाने के लिए सबसे पहले मसाले को तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 150 ग्राम सूखी धनिया ली हुई है, 50 ग्राम सरसों है, 50 ग्राम कलौजी है या पचफूरन भी इसे कहते हैं, और 100 ग्राम खटाई यानी कि अमचूर लिया हुआ है। सरसों को मैं भूनूंगी नहीं, इसे ऐसे ही कच्चे पीस के डालूंगी। कढ़ाई मैंने पहले से रखा हुआ है, कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब मैं इसमें धनिया डालकर भून लूंगी। इसे हमें हल्का सुनहरा होने तक भूनना है और इसे बराबर चलाते रहना है, जिससे कि वह अच्छे से भून जाए। ये देखिए, ये अच्छे से भून चुका है। अब मैं गैस की फ्लेम को कम करके इसे एक बर्तन में निकाल लूंगी। अब मैं कलौजी को भी डालकर इसे इसमें भून लूंगी। कलौजी को कहीं कहीं पचफोरन भी कहा जाता है। ये देखिए, ये भी भूनकर तैयार हो चुका है। अब मैं उसे धनिया वाले में ही वापस पलट दूंगी और इसे ठंडा होने दूंगी। अब मैं सरसों को पीस लूंगी सिलबट्टे पे। मैं इसे सिर्फ 2 भाग में ही पीसूंगी, क्योंकि हमें इसका छिलका निकालना है। सरसों पीस चुकी है, अब मैं इसका छिलका निकाल लूंगी। यह भुना हुआ सरसों नहीं है, मैं इसे कच्चा ही डालूंगी और बाद में इसे बारीकी पीस लूंगी। मसाला ठंडा हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने एक जार लिया है, थोड़ा थोड़ा करके मैं जार में मसाला डालूंगी। डालने के बाद मैं इसे पीस लूंगी। ये देखिए, मसाला पीस के तैयार हो चुका है। ये देखिए, मसाले को मैंने ज़्यादा बारीक नहीं पीसा है, इसे थोड़ा दरदरा ही रहने दें। अब मैं सरसों को पीस लूँगी। इसे मैं अलग पीस रही हूँ, आप चाहें तो मसाले में ही सरसों को डालकर पीस सकती हैं। मसाला और सरसों साथ पीसने से सरसों थोड़ा तेल छोड़ता है, जिससे कि मसाला अच्छे से नहीं पीसेगा, इसलिए मैं इसे अलग पीस रही हूँ। जैसा आप देख रहे हैं कि सरसों पीसने के बाद वह जार में कितना चिपका हुआ है, इसीलिए मैंने इसे अलग पीसा, जिससे कि यह अच्छे से पीस जाए। मिलाने के बाद मैं इसमें खटाई डालूंगी, जिसे अमचूर भी कहा जाता है। अमचूर डालने के बाद मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालूंगी। यहाँ पे मैंने 1 बड़े चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च लिया है, आप चाहें तो लाल मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब मैं इसमें 3 बड़े चम्मच नमक डालूंगी। नमक डालने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डालूंगी। यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच लगभग सरसों का तेल लिया है। तेल डालने के बाद मैं इसे अच्छे से मिला लूंगी। यहाँ पे मैंने हल्दी का इस्तेमाल नहीं किया है, आप चाहे तो यहाँ पे 1 चम्मच हल्दी भी डाल सकती हैं। भरवा लाल मिर्च का अचार बनाने के लिए मसाला तैयार हो चुका है। यहाँ मैंने 500 ग्राम लाल मिर्च लिया था, जिसे धोकर 3 दिन तक अच्छे धूप में सुखा लिया था, जिससे कि इसका पानी सूख जाए और ये थोड़ा मुलायम हो जाए। यहाँ पे मैंने एक लकड़ी ली हुई है इसके बीज को निकालने के लिए। आप चाहे तो इसके ऊपर वाले पार्ट को थोड़ा सा काट करके बीज को निकाल सकती हैं, लेकिन मैं काटूंगी नहीं, ऐसे ही इसके बीज को निकालूंगी। मिर्च के ऊपरी वाले भाग में मैं थोड़ा सा इसको दबाकर इसके अंदर लकड़ी को डालूंगी और ऐसे ही मिलाते हुए उसके बीज को निकाल लूंगी। मैं एक एक करके सारे मिर्च के बीज को निकाल लूंगी। ये देख लीजिए, सारे मिर्च के बीज निकल चुके हैं। अब मैं मसाले में उसको अच्छे से मिला लूंगी। तो चलिए अब अचार बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, मैंने ऊपर वाले भाग को ऐसे मुट्ठी में बांधा हुआ है। अब मैं इसके ऊपर मसाले को डालूंगी। डालने के बाद थोड़ा थोड़ा करके मैं लकड़ी की सहायता से इसके अंदर भरूंगी।
आप चाहे तो मिर्ची को छोटे छोटे टुकड़ों में भी काट करके उसके ऊपर ऐसे मसाले लगा के बना सकती हैं, या तो आप बीच से मिर्ची को काट कर उसमें भी मसाला भर सकती हैं। आपको जैसे सुविधा पड़े आप वैसे अचार बना सकती हैं। लेकिन जिस तरह से मैंने अचार बनाया है, अगर आप इस तरह से बनाएंगी तो आप 3 से 4 साल तक इसे अच्छे से स्टोर करके रख सकती हैं और कभी भी खा सकती हैं। एक और लास्ट बचा हुआ है, मैं इसे भी भर लेती हूँ। जैसे मैंने लाल मिर्च का अचार बनाया है, आप ठीक उसी तरह हरी मिर्च मोटी वाली भी भरकर बना सकती हैं भरवा अचार। ये देखिए अचार बनके तैयार हो चुका है। एक दिन के लिए मैं इसे ऐसे ही धूप में रख दूंगी जिससे इसका नमक थोड़ा गल जाए। यहाँ मैंने 150 ग्राम सरसों का तेल लिया है। तेल में मैं एक एक करके डुबोती जाऊंगी और जार में इसे बेड़े करके रखती जाऊंगी। मैं इसे खड़ा करके नहीं रखूंगी। बेड़े करके रखने से अचार में मसाला और तेल अच्छे से सींच जाएंगे। ये देखिए सारे अचार को मैंने जार में रख लिया है। यहाँ मैंने प्लास्टिक का जार लिया है। आप चाहे तो यहाँ पे चीनी मिट्टी या फिर कांच के जार का इस्तेमाल कर सकती हैं। अब मैं बचे हुए तेल को भी इसमें डाल दूंगी। वैसे तो आप इसे तुरंत भी खा सकती हैं, लेकिन तुरंत खाने में यह थोड़ा कड़वा लगता है, इसलिए मैं इसे ऐसे ही लगभग 1 महीने के लिए रख दूंगी। आज का आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए।